suppose this is our mother earth, this is the north pole of the earth, and this is the south pole of the earth. Earth कौन सा geographical north और geographical south, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, this is geographical north and this is geographical south. ठीक, अब there is believed to be a bar magnet inside the earth, ऐसा है नहीं, बट रिसर्च जब करते हो कोई थ्योरी देनी पड़ेगी, तो थ्योरी ये बोलती है कि हमारे अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट, ठीक है, और अर्थ का जो बार मैग्नेट है वो ऐसा है जिसमें अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक्चुअली ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, बार मैग्नेट उल्टा है एक तरीके से, और जो मैग्नेटिक साउथ है वो किसकी तरफ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है. तो मतलब अर्थ के पास दो टाइप के नॉर्थ साउथ है, एक हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ, और एक हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ. अब यार ये मेरा बार मैग्नेट है, मैंने इसको रस्सी बांध दी और ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो गया, एक पॉइंट पे आके रुक गया. सपोज ये जो ब्लैक हेड है, दिस इज द नॉर्थ पोल, तो ये पता है कहां जाता है, ये अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, ये कहां रुकता है जाके, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ऑटोमेटिकली दिस विल गो टू अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ. तो सपोज मैंने जो बार मैग्नेट लिया वो ऐसे आके रुक गया, ऐसे आके रुक गया. अब यार एक्सप्लेनेशन कई बार होता है कि यार अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की तरफ क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए उसको, भाई नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल होना चाहिए, तो इसको तो उल्टा होना चाहिए था. पर लॉजिक ये है कि हमारा जो मैग्नेट है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ को दिखाई नहीं रहा है, वो किस चीज को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मैग्नेटिक साउथ को, क्योंकि भाई जो हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, और इसलिए वो ऐसे आके रुकता है. बेसिकली ये लॉजिक जस्टिफाई हुआ है जब हम लोगों को ये पता पड़ा कि हमारा जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है. तो इसके कारण एक रिसर्च है कि नहीं भाई, हो सकता है अर्थ के अंदर एक मैग्नेट हो जिसके जो मैग्नेटिक पोल से वो ज्योग्राफिक पोल से उल्टे हो. बेसिकली तो जब हमारा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आके रुकता है तो उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं बता रहा है, बट वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ बता रहा है. समझ में आ रहा है आपको, बेसिक है, एक बार आओ, मजा आ रहा है. तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक मैग्नेट है, इमेजिन करो ना, यू हैव अ बॉटल, यू स्पिन दैट बॉटल, कीप्स ऑन स्पिनिंग, सडनली इट विल कम टू अ हॉल्ट, कभी तो रुकेगी ना. लेट्स से द बॉटल हैज कम टू अ हॉल्ट लाइक दिस, एंड इफ यू से दैट दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉटल, अज्यूम दिस इज द मैग्नेटिक बॉटल, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉटल, और फिर आपने क्या किया, आपने अपना कंपास लिया और आपने देखा अरे ये तो नॉर्थ ही, सच में नॉर्थ है, तो आप क्या बोलोगे, यार इसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है ना, बट पॉसिबल है क्या ये नॉर्थ वो भी नॉर्थ, कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, लाइक पोल रिपेल करेंगे, बट फिर भी यहीं पर रुक रहा है वो. तो पॉइंट क्या आएगा इसके वजह से कि नहीं भाई, ये जो चीज है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा ही नहीं रही, उसके हिसाब से रिपल्शन हो जाना चाहिए उसका, ये किसकी तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रहा है, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इज बिलीव टू बी देयर टूवर्ड्स अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है. पर ये पॉइंट एक और चीज आती है कि अगर आप कभी भी कंपास को भी यूज करोगे इनफैक्ट, तो वो एब्सोल्यूट नॉर्थ कभी नहीं दिखाएगा, आपको लगता है कि वो नॉर्थ है, वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं होता. क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, पोलर लाइन जिसको हम बोलते हैं, इक्वेटोरियल ऐसे जाता है ना आपका, भाई इक्वेटोरियल ईस्ट वेस्ट में चलता है ना, दिस इज योर पोलर लाइन, राइट, तो ये आपका पोलर लाइन होगी, ये कौन सी होगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी. पर जो मैग्नेट है अर्थ का, दैट इज बिलीव टू बी लाइक दिस, ये जो अर्थ का तो मैग्नेटिक एक्सिस कौन सा होगा, अर्थ का ये वाला होगा मैग्नेटिक एक्सिस उसका, ये उसके ज्योग्राफिकल पोल्स के अकॉर्डिंग एक्सिस बन गया, ये उसके मैग्नेटिक पोल्स के अकॉर्डिंग एक्सिस बन गया, तो ये हो गया आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हो गई आपकी मैग्नेट.